कच्चे दूध की हेल्प से आज हम ये फेशियल करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, गजब का ग्लो और निखार जो आप करवा चौथ पे देखना चाहते हो ना, वो आपको देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भी करवा चौथ वाला टाइम आ चुका है और हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा ग्लो करे, सबसे ज्यादा निखरी हुई सी नजर आए। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसा, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा उपाय। ये है मेरे हाथ में दूध, जिसे मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, जो आप इसके ऊपर ड्रॉप ड्रॉप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा फ्रिज में रखा हुआ था। और आपको बहुत ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, आपके किचन में मौजूद रहेगा, मतलब हर किसी के पास ये बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो किचन से उठा लेना है, आपने दूध जब बॉयल कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा अपने लिए बचा करके रख लेना, ठीक है? और इससे कर लेना फेशियल करवा चौथ से पिछले वाले दिन, फिर देखिएगा कि किस तरह का गजब का ग्लो और निखार आपके चेहरे पे आपको देखने को मिलेगा। हर कोई पूछता रह जाएगा, भाई क्या लगाया चेहरे पे, कहाँ से फेशियल कराया है? तो आप बोलना कि बस भाई कुछ नहीं, घर पे ही कर लेते हैं हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए। तो अभी जल्दी जल्दी से करना शुरू कर देते हैं फेशियल। सबसे पहले तो एक चम्मच भर के हम ले लेंगे यहाँ पे दूध, ठीक है जी? एक चम्मच हमने यहाँ पे दूध ले लिया है। सेकंड जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है जी नींबू का रस। जी हाँ, दूध में आप बोलोगे ये फट जाएगा, लगेगा आपको कि थोड़ा सा, चार पांच बूंदे बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ही आप ड्रॉप्स ऐड करोगे ना तो ऐसे लगेगा कि ये फट रहा है, लेकिन फटेगा नहीं। आपने एकदम से इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, जिस तरह से मतलब दही की तरह ही और इसी तरह का हमें चाहिए। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, दाग धब्बों को लाइट करेगा, आपकी स्किन को ये टाइट करने का काम करेगा। बहुत गजब की चीज़ ये बनती है। साथ ही इसमें थोड़ा सा आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें आपने ऐड कर लेना है शहद। कितना कर? बस जी लगभग 1/4 टीस्पून के जितना, ठीक है जी? शहद भी ऐड कर लिया इसमें हमने। और अब जी बहुत कुछ नहीं ऐड करना है, बहुत बढ़िया आपका क्लिंजर बनके रेडी हो जाता है। जैसे ही आप शहद को मिक्स करोगे तो एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह से, जिस कंसिस्टेंसी में सीरम होते हैं उस कंसिस्टेंसी में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है जी? अब अच्छी तरह से इससे अपने चेहरे पर मसाज करना। आप लोग सोचते होगे ना कि मैं हमेशा ही इधर ही क्यों वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पर ना बाहर से धूप आ रही होती है, खिड़की के साथ बैठी होती हूँ, और आपको भी रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया तरह से पता चलते हैं। तो मतलब नेचुरल जो स्किन मेरी है वही चीज़ें आपको मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ठीक है, अच्छी तरह से हम इसे बहुत ही बढ़िया तरह से अपने स्किन पे मसाज कर लेंगे 5-10 मिनट के लिए, एंड फिर छोड़ देना इसे। तब तक हम रेडी करते हैं स्टेप नंबर 2, उसमें हम करेंगे स्क्रब अपने चेहरे पे। स्क्रब से क्या होगा, जितनी भी हमारे चेहरे पे डेड स्किन होगी, ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम होती है, वो सारी आपकी क्लीन हो जाती है और आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट बन जाती है, जो कि हमें चाहिए। तो ठीक है जी, अब स्क्रब बनाने के लिए मैं आपको बहुत गजब की एक चीज़ बताने वाली हूँ। देखिए, ये है जी जैगरी पाउडर, और हर घर में गुड़ होता ही है, तो वही है जी, शक्कर भी बोलते हैं, मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने लिया यहाँ पे लगभग मतलब 1/4 टीस्पून के जितना, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है आपको, तो इस तरह से आप लेंगे और फिर इसे रख देंगे इधर। बाकी सेकेंड जो चीज़ आपको लेनी है वो है जी, ये है मेरे हाथ में चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करता है, ट्रस्ट मी, आप यूज़ करके देखिएगा। चावल के आटे में होता है स्टार्च भरपूर मात्रा में, तो ये एक तो आपकी रंगत को निखारने का भी काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इस पर। तो यहाँ पर हम स्क्रब के लिए इसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही लिया मैंने, लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब, ठीक है जी? दोनों चीज़ों को कर लिया अच्छी तरह से मिक्स, और थोड़ा सा अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, और इसकी मदद से इसे एकदम गाढ़ा जैसा, बहुत गाढ़ा नहीं और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं, बस रनी सा पेस्ट बनाना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे और अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इसे इस तरह से स्क्रब करेंगे, ठीक है जी? स्क्रब करने से मैंने बोला ना कि आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, जितने भी फेस के ऊपर दाग धब्बे होंगे, कालापन होगा, वो सारी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी, ठीक है जी? तो अच्छी तरह से जो ये हमने जैगरी पाउडर लिया है ना, तो इसके देखिए छोटे छोटे से जो बीट्स होंगे वो आपके चेहरे पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे, आपके खून को ये साफ करता है, आयरन भरपूर मात्रा में इसमें होता है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करता है, और मेरा तो जी फेवरेट चीज़ है ये। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप मसाज कीजिएगा और फिर उसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिएगा। तो चेहरा मैंने धो लिया और गजब का ग्लो आपको देखने को मिलेगा, स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। तो इसके बाद हम बनाएंगे मसाज क्रीम, और मसाज क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लेना है विटामिन ई का कैप्सूल। इन केस आपके पास ना हो तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं बादाम रोगन,
स्वीट आलमंड ऑयल, तो मैं यहाँ पे स्वीट आलमंड ऑयल ले रही हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस मतलब 7-8 बूंदें आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। जो भी आपने लिया है, अगर आपने ये कैप्सूल लिया है तो एक कैप्सूल आपको लेना है, एंड उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल लेंगे, मैंने यहाँ पे अंदाजे से ले लिया है, और साथ ही इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करना है दूध, इस तरह से थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, और थोड़ा सा आपको इसमें ऐड करना है शहद, ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें हम शहद भी ऐड करेंगे, क्योंकि शहद ना बहुत कमाल की चीज़ है, आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बनाएगी, और जो ग्लो आप देखना चाहते हो ना, तो वो आपको शहद से देखने को मिलेगा। लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपने यहाँ पे शहद लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो इस तरह से फिर आपने सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करना है, और ये देखिए इस तरह से मतलब एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में आपके पास ये क्रीम बन के रेडी हो जाती है इस तरह से, जिसे आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है अपने चेहरे पर। और अच्छी तरह से अब आपको इससे करनी है अपने चेहरे पर मसाज। मसाज करती बार ही आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना शीशे की तरह चमक रही है। तो अच्छी तरह से मसाज करने में कोई कंजूसियत नहीं करनी है, मतलब कि 5-7 मिनट आपने बढ़िया तरह से मसाज करने के लिए लगाने हैं। डार्क सर्कल पे भी आप इसे मसाज कर सकते हो, नेचुरल चीज़ें यूज़ करने हैं, किसी तरह के साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाले हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए आराम से, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा वक्त लीजिए, और फिर अपनी स्किन को रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मतलब 5-7 मिनट के लिए, ताकि ये जो क्रीम है ना अंदर तक डीपली आपके स्किन के अंदर जाए, और फिर कल आपको वो ग्लो देखने को मिले जो आप चाहते थे, ठीक है जी। तो जब तक ये रेस्ट पे है तब तक हम बना लेते हैं फेस पैक। आप स्टीम भी ले सकते हो, अगर आपने इस हफ्ते कोई भी स्टीम नहीं ली है तभी, बहुत ज़्यादा स्टीम लेना भी हानिकारक होता है। स्टीम आपके पोर्स को एकदम क्लोज कर देती है, जो भी हमें ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही ईजिली, मतलब एकदम आपकी स्किन सॉफ्ट होती है तो ईजिली वो निकल आते हैं। और स्टीम आपकी स्किन के लिए अच्छी भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि अति किसी चीज़ की बुरी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती है आपको, हफ्ते में एक बार आपके लिए काफ़ी रहती है। तो चलिए अभी बनाते हैं फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए मैंने वही वाला बाउल लिया है जिसमें मैंने ये क्रीम बना रखी थी। इनकेस अगर आपके पास बच गई है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने इसी में जो भी बची हुई है उसी में आप बना लोगे। तो मैं बहुत ही सिंपल सा फेस पैक यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या लेना है, हमने लेना है 1 चम्मच बेसन। बेसन बहुत ही बढ़िया फेस पैक का काम करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, रंगत को निखारता है, स्किन को टाइट करने का भी काम करता है, और अनवांटेड हेयर को रिमूव भी करता है। तो 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर ले लिया है ये बेसन। साथ ही इसमें मैं आधी जैसी चम्मच के करीब ऐड करूंगी ये मुल्तानी मिट्टी पाउडर है। बाकी अगर आप मुल्तानी मिट्टी ना ऐड करना चाहें तो आप सिर्फ बेसन की हेल्प से भी इस पैक को तैयार कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आपको लेना है। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे शहद, क्योंकि शहद जो है ना आपकी स्किन के ऊपर वो चमक वो ग्लो लेकर के आने वाला है। तो लगभग 1/4 टीस्पून के जितना मैं यहाँ पे शहद ऐड कर लूँगी, ठीक है जी। आप इसमें चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा हमारी स्किन को टाइट कर देता है, स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, तो एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है, तो आप ये भी ले सकते हैं। बाकी फिर इसके बाद, क्योंकि सर्दियों का है मौसम, तो थोड़ी सी मैं इसमें ग्लिसरीन भी ऐड करूँगी। आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने शहद भी ले लिया है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप लीजिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बस बहुत कुछ नहीं ऐड करना है, मैंने बताया था ना कि चीज़ें जितनी आप सिंपल रखोगे, ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देती हैं, रिजल्ट देती हैं, बस हमें यूज़ करना होता है। तो दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हमने इसका एक बढ़िया सा पैक तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा इसलिए ताकि एकदम से मतलब लिक्विडी ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए आपने इसका एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बना लेना है, एक पैक की तरह फेस पैक इसका तैयार कर लेना है। बस इसके बाद आपने बस इसी क्रीम के ऊपर, क्रीम को आपने हटाना नहीं है, फेस को आपने साफ नहीं करना है, इसी के ऊपर आपने इस फेस पैक को लगा लेना है, और फिर हमने इसे छोड़ देना है सूखने के लिए। जब सूख गया है तो एकदम से आपने रगड़ने नहीं लग जाना है, या तो छींटे मार लीजिएगा पानी के, या तो जब ये थोड़ा हल्का गीला है उस वक्त आप इसे उतारिएगा। जैसे ही आप फेस पैक को अपने चेहरे से रिमूव करोगे, आप देखोगे आपकी स्किन एकदम साफ हो जाती है, ग्लोइंग, जो ग्लो और निखार आप देखना चाहते हो ना और करवा चौथ पे आपको चाहिए, वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। बाकी जब आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लोगे तो उसके बाद स्किन को अच्छे से फिर से मॉइस्चराइज ज़रूर कर लेना। मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड
लगभग 8 से 10 घंटे के लिए आपको फेस वॉश का यूज़ नहीं करना।